सर आज संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ देश के प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी उपस्थित हैं। वो हिंदी साहित्य में सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनको पढ़ने सुनने का अपना आनंद है। हिंदी साहित्य में उनका एक अतुलनीय योगदान है। हम आज उनसे हिंदी साहित्य और हिंदी के भविष्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। सर आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हिंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है? आज क्यों हमको बार बार इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम अपनी भाषा से प्रेम करें और हिंदी को अपनाएं, हिंदी में लिखें, हिंदी में बोलें, हिंदी में सीखें? ये दो प्रश्न हो गए। एक तो हम हर वर्ष क्यों करते हैं, तो हर वर्ष तो हम दिवाली भी करते हैं, दशहरा भी करते हैं, होली भी करते हैं। जो चीज़ें हर वर्ष करते हैं वो बार बार याद दिला करके उसको पक्का करते हैं कि भाई ये आवश्यक है, ये होना चाहिए। और अभी तक हम अपनी भाषा में चूँकि काम करने को अपना अभ्यास नहीं बना पाए हैं, सामान्य जन से लेकर सरकार तक, इसलिए ये आवश्यकता होती है कि लोगों को बतलाया जाए कि भाई आप अपनी भाषा को स्वीकार करें, उसे प्रेम करें, उसके अनुसार चलें, उसमें काम करें। सबसे बड़ी बात यही है जो कि संस्कृत भारती वालों ने जो नारा दिया कि संस्कृत के विषय में मत बोलो, संस्कृत में बोलो, वही हिंदी में भी जो हम चाहते हैं कि हिंदी में आप काम करें। हिंदी में काम करना शुरू कर देंगे तो अपने वो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी, फिर किसी को याद नहीं कराना पड़ेगा। हाँ जी, आज हिंदी की स्थिति संचार के दूसरे माध्यम आने के तकनीक के आने के कारण से कहीं न कहीं लगता है कि हिंदी का प्रयोग और हिंदी की उपस्थिति बढ़ी है दुनिया भर में। इंटरनेट आज हिंदी में उपलब्ध है, जब आया था तो उस पर अंग्रेजी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन क्या ये हिंदी की ताकत कहा जाएगा कि गूगल को या दूसरी कंपनियों को हिंदी में अपनी सेवाएँ उपलब्ध करानी पड़ रही हैं और हिंदी को बढ़ावा या भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने कोशिश? भाई उनके लिए तो सीधी सी बात है, बाजार है, जिस जहाँ बाजार मिलेगा वहाँ उनको उसमें काम करना पड़ेगा। तो हिंदी भाषी इतने करोड़ों में हैं कि अगर उसमें काम करना है, चीन भी भारत से लड़ाई नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना बाजार चाहिए। अगर आज भारत और चीन का युद्ध हो जाए तो चीन की एक चीज़ यहाँ नहीं बिकेगी तो उनकी अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? इसलिए वो तो बाजार की बात है, सीधी सी बात है। गूगल हो, कोई हो, आज आप माइक्रोसॉफ्ट को कहेंगे, वो आपकी सरकार कहे तो सही कि हमारे कार्यालयों में हिंदी कंप्यूटर का काम हिंदी में होगा, वो आपको सारा कुछ बना करके दे देंगे। ये तो बाजार की आवश्यकता है जी। एक दूसरी बात ये और है कि हिंदी को लेकर जब बात होती है और अंग्रेजी के साथ जब उसको रखने का प्रयास किया जाता है, कहते हैं कि अंग्रेजी लोकप्रिय क्यों है, तो बार बार रोजगार का एक सवाल इसके साथ जोड़ दिया जाता है, भाषा के साथ, क्योंकि बड़े रोजगार अच्छा रोजगार अंग्रेजी में है, ऐसा धारणा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या हिंदी के साथ रोजगार का संकट है या ये कोरी एक धारणा है, इस पर आपका मत? देखिए, ऐसा है कि अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो जितनी नौकरियाँ हिंदी में हैं उतनी और किसी भाषा में नहीं है जी। नौकरियां भी दो तरह की होती हैं, एक जो आप अपने व्यक्तित्व से प्राप्त करते हैं और एक अपने विषय जो आप पढ़कर आए हैं उससे करते हैं। तो व्यक्तित्व वाली नौकरी तो आप पुलिस में जाना चाहें तो कुछ भी पढ़ के चले जाइए, फौज में जाना चाहें तो चले जाइए, और सेल्समैन आप अच्छे हैं बन सकते हैं, वो और चीज़ें हैं। लेकिन अगर केवल भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी में जितनी नौकरियाँ हैं आप संख्या गिन लीजिए तो उतनी नौकरियां और किसी में नहीं है। जो भ्रम है लोगों में कि अंग्रेजी से नौकरी जल्दी मिलती है, तो प्रश्न उल्टा ये होना चाहिए कि अंग्रेजी से क्यों जल्दी मिलती है? भाई ये देश है हमारा है तो हिंदी से मिलनी चाहिए। तो ये काम एक केरल में हम लोग गए थे एक ट्रांसपोर्टर के पास, तो उसने कहा कि आई टेल माई बॉयज़ टू रीड हिंदी अप टू स्टैंडर्ड 8,
सो दैट दे कैन गेट अ जॉब इन CRPF, हो गई ना कामकाजी नौकरी। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहां आपको अनुवादक की और स्क्रिप्ट राइटिंग की, पढ़ाने की, दूसरी जो नौकरियां हैं वो बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो हिंदी के कारण ही आपको मिलती हैं। लेकिन दो भाषाओं का जो लाभ होने की बात है उससे तो किसी को इनकार नहीं है कि यदि आप दो भाषाएं जानते हैं, और कोई भी बच्चा सुविधा से चार भाषाएं सीख सकता है। ये उन माता पिता की मूर्खता है जो ये मानते हैं कि उनका बच्चा इतना मूर्ख है कि केवल एक भाषा सीखेगा, वो भी अंग्रेज़ी। ये भ्रम है, उसको दूर किया जाना चाहिए। अतिरिक्त भाषा का लाभ उससे कोई इनकार नहीं है। मेरा बड़ा बेटा है वो हिंदी, अंग्रेज़ी, पंजाबी के साथ साथ वो उसने पुर्तगाली पढ़ी, उसको पुर्तगाली में काम करना था तो उसका लाभ उसको मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे इनकार नहीं है। लेकिन हिंदी उससे अंग्रेज़ी से हीन नहीं हो जाती। जी, जहाँ हीनता की बात आती वहीं दिक्कत। हीन नहीं है, आपका आत्मबल नहीं है। आप अपने आत्मबल के आधार पर ये कह सकते हैं कि नहीं आती अंग्रेज़ी, एक विदेशी भाषा मुझे नहीं आती तो मैं हीन हो गया। जिनको अपनी मातृभाषा नहीं आती हीन तो वो हैं। तो ये तो सोचने की अपनी पद्धति है, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अंग्रेज़ी का प्रचलन हमारे देश में है, इसलिए अगर दो द्विभाषी हम होते हैं तो उसका लाभ उठाते हैं।